केम शो नमस्ते सत श्रीकाल आदाब के मनाशन प्यारे दोस्तों प्यारे दर्शकों आप जी वेखना शुरू कर चुके हो जस कैमरे की नज़र जस पंजाबी ते दीपक तिमान हर सोमवार शाम को 7 बजे लैके आता है थोड़े लिए प्रोग्राम जस कैमरे की नज़र। अज स्टोरिया बहुत है पर उस तो पहला जिहड़ी स्टोरी हैगी मैं ये नहीं कहूँगा कि सैड स्टोरी हैगी पर इस गल दे विच कुछ सीखने लई बहुत जरूरी है। एक सुनेहा है तुहाडे सारयां दे लई जिन्हें भी अमेरिका दे विच और खास तौर दे उत्ते रिचमंड हिल एरिया जां मान लो क्वींस विच रहिंदे हैगे आ उहनां लई, मगर ये भी पता लगा कि चाहे इंडियाना जां हर पासे ही अज दी इह स्टोरी है मेरी कार। जी हाँ, मैं अपनी कार दी गल करन लगा हैगा। अजकल क्राइम इन्ना क बढ़ चुका हैगा आ कि अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस कोई शक नहीं कि साड़ी कम्यूनिटी दे विच असी पॉलिटिशियंस नूं भी बुलाने हैगे आ, कॉप्स नूं भी बुलाने हैगे आ, उन्हां दा मान तान भी करदे हैगे आ, पर कई बार ये लगता है कि असी सेफ नहीं हैगे। असी जे सेफ हैगे तो साडा प्रॉपर्टी जिहड़ी हैगी आ ओह सेफ नहीं हैगी। मैं गल की सी कार दी, एक महीने के अंदर मेरे नाल परसनली 2 हादसे हो गए। पहली गल अगस्त 13 दी हैगी आ कि एक रात पहला मैं कार पार्क की हैगी आ, जदों सवेर नूं उठ के 8 बजे जाके मैं कार नूं पिक करना सीगा तो काम ते आना सीगा तो वेख्या कि मेरे कार दा जिहड़ा ड्राइवर साइड दा शीशा हैगा पिछे देखण वाला ओह टुट्टिया सीगा। वो तो नज़र गई, बाद देखिया कि कार के उत्ते होर भी किसी ने नोइंगली मैं इदा लगता पाया। पुलिस ने भी मैं कॉल की, पुलिस आई कोई 2-2.5 घंटे बाद देखन दे रही कि वो अटैक किया लोहे की राड़ कोई भी भारी चीज़ के नाल। चलो वो गल गई हुई, $250-300 का खर्चा होया, शीशा पवालिया गया। पर जिहड़ा हुण एक नवा हादसा फिर मेरी कार के नाल हो गया, मैनू नहीं पता ये पिछे कहानी की हैगी आ। थोड़े नाल भी ये हादसे होंदे होणगे क्योंकि काफ़ी कहानियां सुनने के आईया हूँ जदों मैं अपनी गल अपनी कम्यूनिटी के होर लोगों नाल की कि मेरी कार चोरी हो गई, मेरे कार के पिछे जो कहते मनाडर में जां होर एरिए दे विच कारां दे शीशे ला के लै गए। आ तूफान आया सीगा, उस तो बाद इधरले पासे कारां दे साइड ते देखण वाले जो ड्राइवर साइड के होंदे शीशे है नहीं सीगे। पर जिहड़ी ये गल होई हैगी आ ये बड़ी अनोखी होई हैगी आ कि कार दा मफलर विच्चों कट के आ, वेखो मैं तुहानूं विखा रहा हैगा कि किस तरीके दे नाल वो कार दे थले बड़े होणगे। मेरे को SUV हैगी आ हुंडाई दी और आ तुहानूं मैं पहला कार दिखा ली हैगी आ और किस तरीके नाल देखो बढ़िया होया हैगा आ, एक पासे पहला चीरिया फिर दूजे पासे, ईवन कि जिहड़ा इहदा सेंसर हुंदा हैगा आ वो काफ़ी एक्सपेंसिव सेंसर हैगा। मैं जदों हुण गल कीती हैगी आ मकैनिक दे नाल, वो कहिंदा जे कंपनी जाऊंगे जां असीं आपां समान मंगाने तां दैट्स नीयर अबाउट $5,000। सो पुलिस नूं कॉल की कल भी, जो 8 बजे तो कॉल करनी शुरू की 3 घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई। तो रात नूं कोई 11:15 बजे उन्हां दी कॉल आई, वो कहिंदे जी अगर तुहानूं लगता कि थोड़े नेबरहुड दे विच कोई CCTV कैमरे हैगे आ तो उहदे विच कुछ दिखदा हैगा तां तुसीं 911 दे उत्ते फुटेज भेज दिओ तो असी ये उत्ते फिर पैरवी करांगे तो वेख सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। चलो खैर, ये तो हो गई मेरी कार की स्टोरी, मेरे ना जो वापर गया वापर गया। पर तुसी चतन्ने हो जाओ कि थोड़िया कारा कई बार असी बाहर पार्क करते हैं, पिछे साढ़े को पार्किंग गैराज नहीं हैगा, तो ध्यान रखियो कोई पता नहीं किस वेले कोई शीशा ला के लै जाए। और अजकल खास तौर के उत्ते जिहड़े ये मफलर है जो आप साइलेंसर कह दें है कार के थल्यों, एक कन्वर्टर होंदा जिहड़ा कि बहुत एक्सपेंसिव हैगा, उहनू दोनों साइडां तों कट के उहो मैनूं मकैनिक ने दस्सिया कि अगर कोई बंदे कोल आ रही हैगी आ जो जिद्दां वी उह करदे हैगे जिहड़े भी इस चीज़ नूं करदे हैगे आ, ज़्यादा तो ज़्यादा 2 तों 3 मिनट लगदे आ, जां 2 मिनट लगदे हैगे आ तो उहनू लै के फरार हो जांदे आ। चलो ये तो गल होई स्टोरी दी, इहदे कोई इस करके नहीं गल की कि कोई सहमति चाहिए है, पर मन जरूर भरिया हैगा कि इक्को महीने के अंदर 2 वार मेरी कार दे नाल ही हादसा हो गया। पिछे स्टोरी की है वो रब जानदा। तो आओ हुण आपां तुहानूं लैके चलदे हैं कि साडी पहली स्टोरी दे विच हिल साइड दे विच जिथे
गणेश उत्सव मनाया गया। लौंगालैंड दियाँ कम्यूनिटी के लोग भी उत्थे इकट्ठे हुए थे। हिल साइड 236 स्ट्रीट के उत्ते एक पार्क हैगा आ, तो आओ वेखते हाँ ये नज़ारा। उत्थे कम्यूनिटी इकट्ठी हुई तो उन्होंने इस उत्सव में किदा मनाया, गणेश उत्सव में। सारे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हम यहाँ पे गणेश उत्सव मनाने आए हुए हैं क्वींस में, क्वींस न्यूयॉर्क में। ये गणेश उत्सव जो है न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा उत्सव है और सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे आती है। और ये सुहाग बहन जो सुहाग मेहता ने शुरू किया ये 4 साल पहले, शी वॉज द फर्स्ट वन टू डू इट। और मेरे साथ IALI की प्रेसिडेंट, IDP की प्रेसिडेंट और करंटली गोपियों की प्रेसिडेंट बीना कोठारी हैं। 14 फीट की सबसे लंबी स्टैचू गणेश उत्सव हम यहाँ पे बेलरोज में बहुत हर्षोल्लास के साथ, जैसे जयसिंह जी ने बताया अभी, हम मनाने जा रहे हैं। नमस्कार। आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आज गणेश चतुर्थी पर सुहाग बहन के जो उन्होंने अपने इतने मेहनत की है और यहाँ पे गणेश जी बिठाए हैं और सभी लोग हम लॉन्ग आइलैंड से आए हैं उनके इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। आप गणेश उत्सव की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आओ फिर ये ना आप हम थोड़ा लै चलते हैं पेंसिल्वेनिया निकबाट, जिथे कि साढ़े रिप्रजेंटेटिव है जस पंजाबी दे, उन्होंने सानू स्टोरी भेजी हैगी है। तियां दा मेला मनाया गया उत्थे, किस तरीके रौनकां लगियां, आओ मार दें एक नज़र। हाँ जी दोस्तों, अपर डारबी दे विच जिस तरह तियां दा प्रोग्राम आयोजित किया गया आ, उत्थे जस पंजाबी दी टीम पहुंची है। साडी कम्यूनिटी दे विच कुछ भी ईवेंट किसी भी तरीके दे हुंदे ने, भावें स्पोर्ट्स दे होण या इस तरह के, जिहड़े कि भैणां ने एक बड़ा ही वधिया उपराला किया आ तियां दे मेले दा, ते जस पंजाबी दी टीम उत्थे पहुंची आ। जी हाँ, तियां दा मेला, और पहला तो कोविड करके बहुत डर से गया था, पर हुण जिहड़े दूजे मेले भी लगने शुरू होण लगे हैगे आ। पिछे जे मिशीगन दे विच असीं कबड्डी तुहानूं लाइव दिखाली सीगी मिशीगन दे अंदर, उत्थे भी मेला सीगा बहुत वड्डा, गाउण वाले पंजाबी सिंगर भी आए सीगे। तां हुण बलविंदर बाजवा जिहड़े कि पहलां भी बहुत सारे इह पंजाबी समागम जां इह मेले करवांदे हैगे आ, तां हुण जा रहे हैगे आ पंजाबी दे मेला। मैं तो हरकीरत उन्होंने अपना बाजार से असं एक ट्रेंडिंग ना स्टोरी कर गए थे, उसे बाजवा साहब मिले तो उन्होंने को फ्लायर पकड़िया से असं पूछा, तो कहते जी मैं मेला करवा जा रहा और समर्पित हैगा किसानों, तो आओ वेखते हैं किस तरीके हुई गलबात। पेंडेमिक सिचुएशन तो बाद कई सारे जोड़े प्रोग्राम ने हो रहे हैं
और जब भी पंजाब ते पंजाबियत की गल होंदी है तां पंजाबियों की दिलां की धड़कन रिचमंड हिल न्यूयॉर्क विखे एक अजिहा मेला होण जा रहा है क्योंकि पिछले दो सालों तो असीं अपने घर दे विच कैद सीगे लेकिन पंजाब दे सभ्याचार नूं उस विरासत नूं काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ा हैगा बलविंदर बाजवा होरां ने अपने मोढ़िआं ते संभाल के और उस मोढ़िआं दे उत्ते रख के जिहड़ा हैगा पंजाब दी गल कीती है। करोना तो बाद पहली बार एड्डा वड्डा जिहड़ा मेला होण जा रहा इस मेले दे विच इह कि जिथे इस मेले दे पंजाब दे मेले विच सभ्याचार दे जिहड़े रंग होणगे साडे पंजाबी कल्चर दे जिद्दां गिद्दा भंगड़ा अते साफ सुथरी गायकी दे जिहड़े सारे कलाकार उह अपने जोर दिखाउणगे अपणियां पंजाब दीआं पिंडां दीआं तीआं दीआं गल्लां करांगे। उत्थे नाल नाल अज जिहड़ा सब तों जरूरी है उत्थे आपां देखदे हां कि किसानी अंदोलन ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾਈਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ 5-6 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ $200-$700 ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆਏ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀਪਕ ਧੀਮਾਨ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਕਸਵਿਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਸਾਮ ਆਏ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਆ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਆਇਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਵਿਊ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵਨ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਵਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲੈਨਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ
हरचरण सिंह सचदेव असी एक मिसाल पैदा कर रहे हैं कि सिख कौम का सारिया दूसरिया कौमों के नाल कितना प्यार है। ये बड़े बधाई दे पात्र हैं। ये एक जिहड़े पुराने बजुर्ग इत्थे बैठे आ 40-50 साल तो एक उन्होंने सुपना साकार हो रहा। अक्टूबर 2nd नूं सारे नूं रिक्वेस्ट करने हैं कि सारे गुरुद्वारे आसमाई मंदिर दे तरफों अक्टूबर 2nd नूं सारे नूं जॉइन करो। तो सारी ही संगत नूं हिक्सविल नूं न्यूयॉर्क दिए जिन्हें भी गुरुद्वारे संस्थावां ने सारे नूं हुम आ के पहुँचने की बेनती की जाती है। तो साड़ी संत बाबा प्रेम सिंह सोसायटी बिल्कुल इन्हां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा नाल ला के चलेगी। साड़ी पूरी समूह सिख संगत वालों पूरे सिख संगत नूं बेनती है कि आने वाले 2 अक्टूबर नूं हुम हुमा के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो जी। अज एक बड़ा खुशी का मौका है कि अज साड़ी पहली बार साढ़े लोंगलैंड दे विच एक्सविल विच कि जिते कि साड़ी कम्यूनिटी पिछले 4-5 सालों तो बहुत ज़्यादा मूव हो रही है। इतने साढ़े गुरु घर है, 3 गुरु घर ने, एक ग्लेनकोव है, सारे को 4 गुरु घर मिल के ते आसा माई मंदिर मिल के असी एक परेड जो अनाउंस की है नगर कीर्तन, वो एक बहुत ही वड्डा एक स्टैप चुकया गया है कि लोकल कम्यूनिटी दिखाने वास्ते कि भी असी साड़ी आइडेंटिटी असी किहो जे लोग हाँ, असी किवें जिवें साड़ा अगर जो नगर कीर्तन निकलेगा लंगर वंडे जाणगे भी सेवा कीतियां जाणगियां, वो एक बड़ा वड्डा लैंडमार्क बनेगा इस लोकल कम्यूनिटी दिखाने वास्ते। ये ना तो हिंदुओं का पर्व है, ना सिखां का पर्व है, सारे का मिलिया जुलिया पर्व है। आके अपनी जिहड़ी है यूनिटी दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ। तो भाई सारे नूं बेनती है ये नगर कीर्तन नूं नगर कीर्तन ही रहन दिओ। इहदे विच किसी तरीके की भी पोलिटिक्स या कोई भी चीज़ होर लियाण दी लोड़ नहीं। असी अपना कट दिखाना है, किसी नूं अपना क्रोध या अपना अहंकार नहीं दिखाना। अपने पिछोकड़ नूं भी संभालो, किसी की भी जिहड़ी है नाम लैके भावें कोई इंडियन गौरमेंट है या किसी होर कंट्री की गौरमेंट है, असी सारिआं दा जिहड़ा सम्मान ही करना है। तो अपनिया उन्हां अगे मंगा जरूर रखनिया है, कोई भी किसी तरीके का उग्रवाद विरोध नहीं करना। भाई सारिआं नूं बेनती है मिलजुल के चलो तो अपने आप नूं अपनी कम्यूनिटी की अच्छी पहचान बनाओ। सिख सेंटर ऑफ वर्जीनिया ने सैलीब्रेट किया गुरु तक गद्दी दिवस। गुरु अंगद देव जी मनासस वर्जीनिया दे विच सनमुख सिंह मानकू जी ने सानू यह स्टोरी भेजी हैगी आ, आओ मारदे हां एक नज़र। डॉक्टर जतेंद्र सिंह मान एक बहुत ही इतिहासिक दिहाड़े बारे संगतां नाल सांझ पाउणगे। डॉक्टर जतेंद्र सिंह मान जदों आज़ादी मिलती है, आज़ादी की जंग होंगी है, जो भी खैबड़ का काम उस तो बाद जिन्ना चिर संविधान नहीं लिखा जाता उन्ना चिर जिहड़े मुल्क तो आज़ादी लई हुंदी है उहदे संविधान के अंडर ही नवा आज़ाद मुल्क ऑपरेट करी जाता है। इस करके आज़ादी दिवस के नाल संविधान दिवस की महत्व भी सानू समझना चाहिए। हुण मैं इत्थे सारे बच्चों नू सियाणियां नू पुछांगा अमरीका का आज़ादी दिवस कहड़ा है, एक सेकंड च जवाब आ जाएगा 4 जुलाई। पर 17 सितंबर अमरीका का संविधान दिवस है और मैं अमरीका के झंडे वर्गी कमीज ही पा के अक्सर तुहानू नज़र आना, मेरी बैल्ट च भी अमरीका का झंडा लिखा। मैं क्यों अमरीका का इन्ना भगत हाँ कि मैनू इतों का संविधान दिवस पता है जिहड़ा कि आम जनता नूं नहीं पता। मैं अमरीका का भगत नहीं, मैं गुरु नानक का भगत, जिन्हें कहा है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सरबत दा भला इंसान की हिस्टरी में सब तो ज़्यादा अमरीका के जन्म के नाल होया। इतों तक कि साढ़े घर की जैनेटर जिन्हों असी सब तो छोटी नौकरी समझते हैं वो भी एक ब्रांड न्यू हांडा पायलट SUV लैके आती है। अब जो पुरानी हो गई है 3 साल पर किसी वक्त नवी सी। दुनिया के किसी मुल्क में तो जैनेटर नहीं मिलेगा हांडा पायलट चलाना। ये है सरबत दा भला। वी आर नॉट आल्सो पार्ट ऑफ दिस कंट्री, दिस इज आवर अज मनासस गुरु घर विखे पंजाबी मंच विशिंगटन DC वालों हरेक साल की तरह लंगर सेवा का आयोजन किया गया, जिहदे विच पंजाबी मंच की समुची टीम ने भाग लिया, सेवा की नाल ही पंजाबी मंच नूं दोबारा तो फिर पूरी तरह सरगर्म करन दा तहैया लिया गया। सो अज असी सारिया ही संगतां का धन्नवाद करते हैं जिहड़ियां साडे छोटे जिहे सद्दे ते आ के अज दे प्रोग्राम नूं पूरी तरह असी कहांगे जोशो खरोश नाल मनाया गया। इहदे नाल पंजाबी मंच की सारी टीम का बहुत बहुत धन्नवाद, सारी मैनेजमेंट कमेटी है गुरु घर की उन्हां का बहुत बहुत धन्नवाद।
तो असी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के सानू इस तरह सहयोग देंदे रहेंगे ता कि असी पंजाबी मां बोली लई पूरी तरह होर दुबारा तो फिर सरगर्म हो के नवा प्रोग्राम दे के असी अपने उस नारे नूं जिन्हों असी कहने होने मां बोली जे भुल जावोंगे कखां वांग रुल जावोंगे इन्हां कहिंदा होया खिमां दा जातकिआं सारे जी आयां नूं बहुत धन्नवाद। ये जिहड़ा पंजाबी साहित्यक ते सभ्याचारक मंच है इहदे स्थापना 2012 दे विच वर्जीनिया स्टेट दे विच होई सी ते साडा जिहड़ा मंतव है वह सिर्फ एक है पंजाबी बोली नूं पहलां दी तरह बुलंदियां ते पहुँचाउणा। पर कोविड दे आउण करके थोड़ा चिर च ठहरा आ गया हुण फिर थोड़ा जिहा राहत मिली है करोना तो करोना तो बाद हुण लंगर की सेवा की आ ते सारे ही मैंबरां नूं फिर बड़े उत्साह दे नाल अज आए गुरु घर आए ने आन के इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ते असीं जिहड़े हुण सारे पंजाबी मंच जो भी साहित बावां हन ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾਲ 100% ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਮਗਰ ਕਾਰਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। अगले हफ्ते होर स्टोरी लैके तुहाडी खिदमत हाजिर होगा। दीपक तिमान, तुहाडा कोई सुनेहा, तुसीं कोई स्टोरी भेजना चाहते हैं तो info@justbroadcasting.com या deepak@justbroadcasting.com ते तुसीं सानू भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मिलांगे अगले हफ्ते, दिओ इजाजत, रब राखा।